बाबू। हाँ भाई। वासर पचनी तो नाट गया आना थे। के बोली? यू बोली इब जरूरत तमने है तो तमने आना पड़ेगा। अच्छा उन्हें मैं बनाऊंगा शिक्षा मंत्री। तू एक काम कर बेटा, वो डायरी ले उठा के ले, मैं देखूंगा उस सरपंचनी ने जाके। इब ले हाले का। देखो आ गया। मतलब तने लान दिया था। अच्छा हाँ। बदला तारे से? बदला तारूंगा। हाँ बहुत गंदा आदमी भाई। काका तू ही ना छोड़, हिसाब किताब ले अलग के। हाँ ले रहा छू। अरे दीपक के दे कापी। ले बाबू पेज लेकर हूँ मैं पढ़ के। अच्छा कापी ना ले आया? ना उस मोर भी तो हिसाब लिख रहा था ना। कोई बात ना, देख सरपंच साहब यो से खाना 2.5 लाख का खाना। हाँ। अरे काका तने शर्म नहीं आती है? तने 2.5 लाख का खाना खवाया लोग आते। अरे मारे जी सारा दिन होता बिना दिया तने। अरे थारा न्योता गांव में दे कौन से है? तुमने छोड़ के सारे गांव का न्योता था। यो तो मेरा एहसान मानो मैंने तुम सरपंच बना दिए। हाँ आगे की देख, आगे की भी देख। आगे यो आ गया सामान। सामान के भी 2.5 लाख रुपये। हाँ काका इसा के सामान दिया था तने? सरपंच साहब न्यू बुझो के ना दिया, सब क्यों दिया मैंने? देख मैंने बैग दिया, मैंने फ्रिज दिया, मैंने कूलर दिया, आरो सारा रंगा दिया। अरे काका बैड कूलर फ्रिज ये 2.5 लाख के हो गए? शर्म नहीं आती तने यह बात बताती है ना? अच्छा अरो सारा रंगा के रंगा के दिया था? वे कटोरी चम्मच और दिए थे तने ना बेरा 2.5 लाख का। सरपंच साहब, सरपंच साहब आगे ये हो गए जेवर। तुम तो चल मान ली 2.5 लाख की दे दी होंगी, पर तीर्था का भी 2.5 लाख। हाँ 2.5 लाख का इसा के दे दिया काका। सरपंच साहब किसी बात करो सो। इब देख पहले छोरी ने देखण आए, जब तीर्था का लग गया फिर मैंने दूसर भी दिया, फिर मैंने तीसर भी दिया है। और ब्याह में छोरी जा से तो खर्चा पानी तो हो से ना, तो तीर होगी 2.5 लाख। अरे डूब कमर जाने क्यों झूठ बोल रहा है? डूब कमर तो गोद में दी थी। डूब कमर तो आगे देखो सरपंच साहब। अरे छोटा मोटा खर्चा भी 2.5 लाख रुपये लिख रखा है। हाँ इब सरपंच साहब सोते गांव का मौजूद आदमी, ये छोटी मोटी 1500 पे ध्यान ना दिया करे, सीधा 2.5 लिख दिया। तेरे छोटे मोटे खर्चा क्या मिला तने ये 2.5 लाख रुपये? अरे वे रिश्तेदार आए, वे भी डटे ना डटे। हाँ वे डाटे तो ना 5 स्टार होटल में, वे भी डाटे ना। ना तेरे घर छोड़ के गया था हैं? और सरपंच साहब टोटल खर्चा हो गया मेरा साढ़े 12 लाख। काका सुरते तने छोरी के ब्याह में 12.5 लाख रुपए लाए थे। अच्छा अरे दोबारा नहीं लाने पड़ेंगे? मैंने तो सुनी थी तने छोरी गोद पे बैठाई है। ना किस तरह सुनी, कोई जलता बुनता कहता होगा, रपिये फूके थे मैंने ब्याह में। ठीक से काका उन ना बुलाऊंगी मैं, उन तो बता दिए तू भी आ जाइए। अरे पर्ची गेल ले आइए। हाँ ले आऊंगा, ले रहा छोरे संभाल कर राखिए ही पर्ची ने। हाँ जाए तू अपने इजाजत ले। ये कौन सा कीड़ा है दिमाग में? मन ना मेरा पट लिया हास्ती काका। चल देखा 12.5 लाख रुपये लिख रहा है और लाग रही थी कि 2 लाख। कोई ना जब छोरे वाला ना जान दे, दूध का दूध और पानी का पानी अपने आप हो जाएगा। मान दे पोल पट्टी मैं खोल दूंगा। तू नू कर उन ना बोला फोन करके। देखो जी काका सुरते ने फैसला कराया है, 12.5 लाख रुपये की छोरी के ब्याह में लाग रहे हैं, 12.5 लाख रुपये दे दो और फैसला कर लो। एक बात न्यू बताओ जी, इन्हें 12.5 लाख रुपये क्या मिला रखे? क्या मना ला रखे? खाना जेवर सामान तीर्थ का अरु छोटा मोटा खर्चा।
या इन्हें लिस्ट दे रखी मेरे ते, इसमें सारा हिसाब लिख रखा है, मैं पढ़ के बता दू हूँ। बता दो जी। खाने के 2.5 लाख रुपये। खाने के बनवा रखा था सरपंच साहब? वो तो तुम देखो। हमने देख लिया ना, गट्ठा है रसगुल्ले और आलू का साग था वो, और हम खाए के सबके में 2.5 लाख। अच्छा हाँ, और हमने एक एक फ्रूट की 3-3 सब्जी बनवा रखी, प्याज का सलाद, प्याज की चटनी, प्याज की सब्जी और जहर खाओगे तुम? रखे तक हुआ है फेरे ना, वो खा ले तुम अमरोद। 2.5 लाख रुपये का फर्नीचर? ईसा है सतपत जी, फर्नीचर ये अपना ठा ले आऊंगे। ओ सुरते गांव का मौजूद आदमी से बेइज्जती ना करवावे, वो टूटे और काट पत्थर का मैं क्या करूंगा? पैसे लूंगा मैं। 2.5 लाख रुपये की टूम? टूम तो जीवा के लिए लेकर आएगी थी, और वह भी लिया सरपंच साहब तो हमने चढ़ा रखी थी। राम 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 राम, देख लो सरपंच साहब, ये तो छोरी के चोरी का इल्जाम भी लागे से। सरपंच साहब इन न तो अपने उल्टे दिल लगा लिए। चोरी का इल्जाम? अरे कुछ तो शर्मा ले। 2.5 लाख रुपये का तीर तगा? क्यों मैं नहीं दे रखा तीर तगा, जो दे रखा नॉर्मल दे रखा, गोद में बैठाई थी, सबत गांव ने बेरा है। और 2.5 लाख का और छोटा मोटा खर्चा? हाँ ऐसा है जी, जो भी इसने सामान दे रखा से मारा दौरा रहा है, सारा सामान हम ठुआ देंगे, और बाकी हमने नहीं बता दो कई रुपये और देने से। हाँ ठवा दोगे, सुरते के इज्जत है कौन? अरे सुरते काम का मौजूद आदमी न्यो बता, वो टूटे फूटे लाकड़ा ने ला के मैं क्या करूंगा? मनने चाहिए सामान के पैसे। ईसा है तम नहीं बेरा, हम नहीं बेरा है, इस पे हमें 3 लाख रुपये लाग रहे हैं, 3.5 लाख ले और बयान देवा। हाँ इन्हें 2 लाख ला रखे से, 3 तो तुमने घने बता दिए। अरे ओ नंगड़े, तुम बीच में मत कूद, तेरा तो न्योता ना दे रखा था, जहाँ से बोला तू तो सरपंच साहब रुपये लाग रहे 12.5 लाख और उस ते नीचे एक पीली चवनी ना ले। 3.5 लेने हैं ले और बयान देवा, और ना तो ले लिए किस पे लेगा तू 12.5? ईसा है घना इंडी ना बने, पैसे लेने मने आवे से, इस देश में पलस थाने भी से, कोर्ट कचहरी भी से, पीछे मैं आप ले लूंगा। जा ले लिए किस पे लेगा तू? अरे ले लिए, जा ले लिए। सरपंच नाम से मेरा गांव का मौजूद आदमी और ढेर दूंगा, घीसनी करवा दूंगा थारी। लाओ सरपंच साहब मन न दे, इन्ना मैं बताऊंगा ये सोते का फंस गए गांव का मौजूद आदमी। सुरते आ साहब आ जाओ। हाँ? बैठो। ये बात होगी? बात के साहब, ये गरीब सुदामा के तो कैसे नापस हो, जब सोते ने कोई दिक्कत हो जा तो आप दोरे फोन करे है। क्यों हो गया ये बे? अरे साहब न्यू बुझो के ना होया। हाँ? बताओ गजब बात है। साहब छोरी पीट कटा दी, घनी पिटाई कर दी। अच्छा? और जब मनु उन्दोर फोन करया, सोते तो उल्टे बोले, और ऊपर तेनु कहे चाहे तुम कुछ भी कर लो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ऐसा भी तो बहुत एंडी हो गए ससुराड़िया। हाँ ये काम करे। हाँ साहब। सोरी का मेडिकल करवा। और साहब मेडिकल तो मैं करा दूंगा, पर उन पे केस अच्छा मोटा सा ला दियो। इन पे दहेज का? हाँ। और घरेलू हिंसा का? हाँ। दोनों धारा ला दूंगा। चौकी बढ़िया सजा बने हैं इनमें, जमाने तो ना होती भी। हाँ। भी बस, बस 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 ऐसा ही काम कर दो साहब। अच्छा समझ गया साहब। अरे छोरे दीपक के? हाँ बाबू। आए उल्दार साहब तो फेट ले। आ जाओ उल्दार साहब। उल्दार साहब फेट लो। उनका नंबर दे तो मैंने। हाँ साहब ले आओ, ले मैं आपके फोन में न्यू कर दूं। लो। हेलो। हाँ जी कौन? अरे तुमने बहु पीठ का खंदा दी। अरे बोल रहा कौन सा तू? मैं सचो बोल रहा हूँ। हाँ जनाब क्या बात होगी? अरे खिलाफ केस दर्ज हो लिया है, घरेलू हिंसा का और दहेज का। ना जी हमने तो कोई हिंसा ना करी। 2 दिन का टाइम दियो हूँ। जनाब किसे 2 दिन?
हमने कुछ कराया ही नहीं। कहता अजी वाले थाने में मैं तो घसीट कर जाऊंगा मरेड़ कुत्ते इतरिया आ गई समझ में। ठीक है जनाब। सिर्फ दो दिन। ठीक है जनाब। इब्राजी से बस साहब आप तो यही उम्मीद थी मैंने। चलो फिर। हाँ साहब। चिंता मत करे ईशा केस बनाऊंगा अगर जमानत नहीं हो। मैंने साहब आप पे पूरा यकीन है। ठीक है आ भाई। इन्हें बहुत दिन हो गए मेरी गीस गालते ईब के काम आओ गए हो सही। काका सुरते। हाँ। तेरे के मैं शर्म सहक नहीं के मैं लाज सहक नहीं। तो कौन? मैं गांव की सरपंच। किसने बना दी? गांव ने। ते फिर सुरते का क्यों शर हो रही से? जाके गांव के टक्कर मार। तू कती डूब लिया अपनी छोरी ने बेचे 15 लाख रुपए मांगे तन छोरी के। तने एक बात बताऊं सरपंच, अपनी जुबान के लगाम दे ले। बिरह तू किससे बात कर रहा है? सुरते ते गांव का मौजूद आदमी। कहे ते गांव का मौजूद आदमी ना होया करे, पहले बन के देखा। हाँ मैं ते सुन, आज तू मेरी ये बनाई और भोके साथ। तने ना बनाई, गांव ने बनाई थी। हाँ गांव ने बनाई थी। तू कौन से बनानिया? सुरते ने बनाई थी। तू तू उन पता था इसका केस ठा लेना, अच्छी बात नहीं होगी। हाँ तू जा, जो बुंडी होगी उन्हें देख लेगा सुरते। और सोने उनने कह दिए इब्बत साढ़े 12 से ना तो जो पुलिस का खर्चा कोर्ट का खर्चा सारा का सारा उनके जोड़ दूंगा, 15 हो जाएंगे। वो तमन बेरा तू कितना नीच आदमी से, पर तू दहेज का केस ठा लेना, अच्छी बात नहीं होगी। पहला बताऊ तुम। हाँ तू चल, जो बुंडी हो वो कर ले। तने गांव ले काड़ा दे दूंगी। चल तू, पहले तू ले कर। मार लिए तेरे तो जिसका तोता पाट है। आगी सुरते गेल भेड़ता ही। सरपंच साहब, मारो प्रदेश का केस जो झूठा लगवा है ना, इसने निमटवाओ क्यों करे क्यों करे। थाना में तो फोन आया था, हमने 2 दिन का टाइम मांगा और उन्होंने 2 दिन का टाइम दे दिया। आप क्यों करिए भी इस मारा पंडा छुटवाओ, क्या मैं भी करो। जब सारा कुंबा भीतर हो गया ना मुश्किल हो जाए। देखा पुलिस वाले भी बोला रही है नो कथी वो है ठीक। अरे हम तो शरीफ आदमी है जी, काम का फंस गए इसमें। ना यो केस तो गलत करे काका सुरते ने, मैं गई थी उसके घर, कोने माने मेरी। सुलझवावांगे चिंता मत करो, आने दो पुलिस वाले ने ब्याज। जिंदगी भर खातिर भीतर हो गए तो हमारे बड़का ना कुन तो संभालेगा, वह भी गेला जाएंगे। कोई ना, पुलिस ना आने दो, करांगे बात। बशा बशाया ढूंढ उजड़ जाएगा सरपंच साहब। राम राम जी। राम राम साहब। राम राम जी। आपने बुलाए थे? हाँ बुलाए थे साहब। ये है वह जिनके सुरते की छोरी बह रखी। अच्छा चोखा, हमने उड़ा जाना पड़ा, आड़े ही थे मारे ये, हमने तो लेकर जाने हैं। ये है वह साहब। एक बात बताओ, छोरी पर बयान दवा रखे हैं, खुद नहीं दे रखे? झूठा केस है दहेज का। दे रखे हैं और दवा रखे हैं बयान, ये तो कोर्ट बताओगा। ओह नो, हम थोड़ी डिसाइड कर सका इसने। साहब सुरता ये गांव का सब तो झूठा आदमी से, उन्हें छोरी ने बयान ना दे रखे, उधर तो खुद दवाए से झूठ बोल रहे से वो। सुनो उसका मेडिकल हो रहा है लड़की का, और डॉक्टर की रिपोर्ट है अब उसका मारपीट के निशान पाए गए। लड़की ने खुद घरेलू हिंसा का और दहेज का केस करवाया है, हमने तो ये ले जाने पड़ेंगे। साहब इब देखो ये कितने शरीफ आदमी, आपने देखा से चेहरा थे आखिए हाथ ठा सके से किसी के ऊपर। देखियो हम नहीं कर सकते डिसाइड, कोर्ट करेगा। मारा काम में तसली कर लो, मारा में कोई कमी नहीं है, उन बड़का की आपस में लड़ाई होगी। आमना बख्शो, क्यों करे मारा पंडा सुटवाओ इस। साहब मेरे कहे थे 2 दिन का टाइम और दे दो। ऐसे कैसे दे दिया, ये ले जाने पड़ेंगे हमने। साहब कोई रास्ता काट दो मारा बचा होगा। साहब तो रिश्वत लिया नहीं करते, पर ये हौलदार से ना, यो ने कम्मा से इस तो बतला लो। दे दे के मैं हौलदार साहब ने। ग
हौलदार साहब कुछ मिठाई तो बड़का खतर घर ले जाइयो कुछ साहब के पहुंचा दियो। साहब ईद तक करो के मैं एक दिन और मिल सके है अपना एक दिन में फैसला थरा होता हो तो कर लियो ना तुम्हारी तो मजबूरी है आदेश है हमने लेके जाने पड़ेंगे हम चलना है। ठीक है साहब। भाई उन्ना बुला कर है जुकर भी वो मानता हो ना कर लो अर्जा बजात की चल दी हो ना ले चलेंगे। भाई हम तो कोशिश कर ही रहे जा बाकी सरपंच जी देखेंगे क्यों करके करना है क्यों करके होगा काल एक बार दोबारा फिर इकट्ठे करेंगे फिर देखेंगे सुरता किसा नहीं मानता है जा तू एक बका का सुरते ने बुला ले मानत कौन है किससे ने बुला ली थी। देखो दोनों पक्षा की बात सुनकर तो मैंने यो फैसला लिया है अक ताली कदे भी एक हाथ नहीं बाजा करती दोनों पक्ष गलत अपनी अपनी जगह कोई भी लड़की अपना घर छोड़कर जब आवे है जब उस पर छक्का अत्याचार हो ले है ठीक है अरे माँ बाप अपनी लड़की ने कालजे के टुकड़े ने 20 साल की करके ब्याव है थ्याव है अगले के घर भेजे है न्यू सोच कर ना भेजता अको उसको ऊपर हाथ ठाओगा मारेगा गाली गलौज करेगा ना सिर्फ न्यू अकागे जाके बेटी का घर बस जाएगा पर ना तुमने क्या करा इस छोरी के ऊपर हाथ ठाया ना या अपनी बेटी समझी अगर तुम इसने अपनी बेटी समझ लेते ताज यार नौबत ना आती और फिर भी तुम अड़े रहे अका हम गलत नहीं हाँ हम गलत नहीं हाँ अर काका सुरते तू केड़ रहा था अक मैं 12.5 लाख रुपये लूंगा और किते ब्याहूंगा छोरी ने एक बात बता काका सुरते किते और ब्याह के छोरी ने तने इस बात की गारंटी है अक और किते इन्हें सुख मिल जाएगा इस बात की गारंटी है कि और किते इसकी लड़ाई ना होगी जवाब दे मने। हाँ सरपंच साहब आप ठीक कहो जो अर रही बात दहेज की दहेज का केस तने घेर दिया ना जाने कितने परिवार से हैं जो जेड़ा में पड़े हैं झूठे केसा में फंसे पड़े हैं जिनने दहेज की मांग नहीं करी और उनके ऊपर केस घेरे जा रहे हैं आदमी की तो एक मिनट लग गया है केस घेरती आना और भुगतन में उनके सारे खानदान के खानदान बर्बाद हो जाए हैं लेकिन हमने यह बात सोच के चलनी पड़ेगी अक भाई हमने इन बालका का घर बसवाना है ना तो पैसे लेने और ना पैसे देने ठीक है तुमने बेरा था इस लड़ाई में दूसरे फायदा ठा जाए हैं और सवाद भी लेवे हैं दुनिया सवाद लेवे और फायदा ठावे तुम चाहो हो अक थारा ड्रामा देखे दुनिया जवाब दो ना जी यह बात हमने चंदे बीच का कोई सा रास्ता काटो जिस दिन बालका का घर बस जा और ये दोनों इकट्ठे रह ले एक बात बताओ थारी उम्र कितनी है 10 साल 20 साल फिर इन बालका का केरा होगा तुम सदा जियोगे के ना जी फिर इन बालका का केरा होगा न्यू बताओ दूसरी जगह गाल दिए उसका तुम दूसरी बहू ले आओगे ये छोरी ने और किते गाल देंगे के गारंटी है के दोनों सुखी रह लेंगे माँ जी इस बात का कोई बेरा नहीं तम इन्हें न क्यों ना एक कर देते तम इन्हें न क्यों ना ऐसी शिक्षा देते अके एक होकर हुए कदे लड़े नहीं अगर सासू ससुरे अपनी बहू ने बेटी मानन लाग जा और बहू अपने सासू ससुरा ने माँ बाप मानन लाग जा तो कदे लड़ाई हो एक होनी पर ना सब अपने घमंड में चूर है मैं क्यों करूं यो सब गलत है इससे बढ़िया है इन दोनों बालका ने एक कर दो ना कोई डिमांड धरो ना कोई केस करो काका सुरते केस ने उल्टा ले ले।